And in this race of who's winning 2024, there are all the big developments coming in from various parts of the country. Let's take a look in Bihar, where the Mahagathbandhan seat sharing is being finalized. Leaders of the alliance have announced that the seat sharing in joint press conference that has been held today. The RJD has allocated 9 seats to the Congress in Bihar. It has decided to contest 26 seats on its own. Other than that, the CPIML will be contesting 3 seats. The CPIM is going to contest 1 seat each. Shakti on the telecast with me. Shakti, ye seat sharing formula to ab decide ho gaya hai. Is pe kaafi manthan hua tha. Ye ab Congress aur RJD is seat sharing formula se khush hai kyunki RJD ki maximum number of seats hai yahan pe. 26 seaton se RJD ladengi. जी बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण फेज का जो नॉमिनेशन है वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई और उसके बाद जो है बिहार में महागठबंधन जो है उसकी सीट शेयरिंग का जो है फार्मूला है वो तय हुआ है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, कितने सीटों पर लड़ेगी. इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है जो अब तय हुआ है महागठबंधन में. इसको लेकर जो है आपको बताया कि पहले कुछ दिनों से लगातार जो है चर्चाएं चल रही थी कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग अभी तक क्यों नहीं हुआ है. देखिए आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव जो है अपने नेताओं को, अपने उम्मीदवारों को जो है घर बुला के सिम्बॉल बांट रहे थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर बैकफुट पे नजर आ रही थी क्योंकि कांग्रेस ने अपने एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी. आज जो है महागठबंधन की तरफ से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कि भी आपको बताया 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी और 9 सीटों पर कांग्रेस और साथ में लेफ्ट पार्टियां जो है 5 सीटों पर जो है बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ेगी. सबसे अहम जो है सीट है आपको बताएं कि पूर्णिया का जो सीट है इसको लेकर जो पेश फैसा हुआ था वो क्लियर हो गया है. इस सीट को लेकर जिस तरह से जाप जो पप्पू यादव की पार्टी थी, पप्पू यादव ने पिछले कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस अपनी पार्टी को मर्ज किया था और उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया था कि पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे. लेकिन अब ये तय हो गया है कि इस सीट जो है अब आरजेडी के खेमे में चली गई है और बताएं कि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती जो कि जेडीयू की विधायक भी रह चुकी है उन्हें टिकट दिया गया है पूर्णिया सीट से और बीमा भारती जो है अब नॉमिनेशन करेगी आरजेडी से. और इस सीट बंटवारे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है पप्पू यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया. पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया की सीट से वही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का झंडा जो है पूर्णिया में बुलंद करेंगे. लेकिन अब इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति क्लियर करनी पड़ेगी क्योंकि महागठबंधन के खाते में, आरजेडी खाते में जो है ये सीट पूर्णिया की चली गई है. ऐसे में पप्पू यादव का दावा अभी भी है कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे. तो अब पप्पू यादव के पास 2 विकल्प हैं, या तो पप्पू यादव जो है अपनी पार्टी को वापस हटा ले, वो फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ें और पूर्णिया से नॉमिनेशन करें. ये जो विकल्प है अभी पप्पू यादव के पास है. लेकिन जिस तरह से महागठबंधन में दरार की बात कही जा रही थी, कांग्रेस को लेकर जो बातें थी, अब साफ हो गई है कि इंडिया गठबंधन में बिहार में जो है आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है और कांग्रेस को सिंगल डिजिट में ही जो है यहाँ सीटें मिली है. जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.